देश में जिस तरह से वंचित गरीब गांवों में रहने वाले हमारे ऐसे वर्गों की मोदी जी ने आज तक हमेशा चिंता की है, उनके बारे में सोचा है, उनके लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, उसी कड़ी में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव की है, वो है विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा के माने हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में, छोटे शहरों में जो हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो कि गुरु शिष्य परंपरा के तहत पीढ़ी दर पीढ़ी एक प्रकार से एक अपना एक बड़ा स्किल लेके उस काम को करते आए, जैसे कुम्हार हुए मिट्टी के काम, सुनार सोने का काम, लोहार लोहे का काम, सुथार लकड़ी का काम, चर्मकार चमड़े का काम, राजमिस्त्री घर बनाने का काम, बांस की टोकरी, झाड़ू, पारंपरिक खिलौने, माला, फूल सजाने वाले, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बुनने वाले, नाव बनाने वाले, औजार बनाने वाले, ताले चाबी बनाने वाले, मूर्तिकार, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी रूरल इकोनॉमी में, ट्रेडिशनल इकोनॉमी में जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जिसकी एक आज भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। उस बड़े वर्ग को एक नया आयाम देने के लिए विश्वकर्मा योजना आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव की है। आपको ध्यान होगा 15 अगस्त के भाषण में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना के बारे में एक संकेत दिया था और पिछले बजट में इसके बारे में घोषणा की गई थी। आज ये योजना अप्रूव हुई है। इस योजना के मुख्य बिंदु हैं, सबसे पहला स्किलिंग का सपोर्ट, किस तरह से स्किल्स बढ़े, नए प्रकार के टूल्स, नए प्रकार के डिजाइन कैपेबिलिटीज, नए प्रकार के जो मार्केट को एक्सेस करने के तरीके हो, उन सब चीजों पे ध्यान सबसे पहले। और इसमें भी बहुत ही एक अच्छी व्यवस्था है, दो तरह के स्किल प्रोग्राम होंगे, बेसिक और एडवांस्ड स्किल, और स्किल लेने के दौरान 500 रुपए पर डे का स्टाइपेंड भी मिलेगा। फिर मॉडर्न टूल्स खरीदने के लिए 15,000 रुपीस तक का सपोर्ट मिलेगा। दूसरा हुआ बड़ा इसका एलिमेंट क्रेडिट सपोर्ट। हम सब जानते हैं वर्किंग कैपिटल एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आता है और एक्सपेंशन में और काम के करने में कैपिटल की बहुत जरूरत रहती है, तो हमारे विश्वकर्मा समाज के सभी साथियों को 1,00,000 रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि इंटरेस्ट एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत मैक्सिमम 5% इंटरेस्ट रहेगा। बहुत ही अच्छी लिबरल टर्म्स एंड कंडीशंस इस पे रहेंगी और ये फर्स्ट ट्रेंच है, ये सक्सेसफुल डिप्लॉय करके अपने बिजनेस को बढ़ाए, उसके बाद में सेकेंड ट्रांच में 2,00,000 रुपीज 2,00,000 रुपए का लोन क्रेडिट सपोर्ट रहेगा। तो इस तरह से एक ग्रामीण क्षेत्र में छोटा कारोबारी पारंपरिक तरीके से जो काम करता आया उसको नए टूल्स, क्रेडिट सपोर्ट, नए स्किल्स और नया मार्केट सपोर्ट। किस तरह से मार्केटिंग सपोर्ट रहेगा, मार्केटिंग सपोर्ट में क्वालिटी सर्टिफिकेशन हो, ब्रांडिंग, ऑनलाइन मार्केट एक्सेस, इस तरह के और साथ में बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स लिए गए जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जोड़ना या वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जिसमें 800 स्टेशन पे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को जगह दी गई है उससे जोड़ना, या फिर वोकल फॉर लोकल की कैंपेन में जोड़ना, स्किल इंडिया डिजिटल इंडिया का समागम, इन सब प्रोग्राम्स के साथ इनको जोड़ा जाएगा। डिजिटल पेमेंट या डिजिटल ट्रांजैक्शन करे उसके लिए भी साल में 1200 ट्रांजैक्शन तक के लिए इंसेंटिव मिलेगा, जो कि अब तक स्वनिधि
कार्यक्रम में मिलता था। अभी साहब प्रोग्राम को देखो, ये प्रोग्राम मोदी जी की जो फिलॉसफी है, जो लोएस्ट इनकम के सेगमेंट्स हैं, जो ट्रेडिशनल काम करने वाले सेगमेंट्स हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि आज की मॉडर्न आपाधापी मॉडर्न इकोनॉमी में कहीं पीछे छूटते जाते हैं, उन सब के लिए एक एक करके कोई ना कोई व्यवस्था बनती है। जैसे स्वनिधि स्कीम आई थी, आप सबको जान के आश्चर्य होगा और खुशी होगी, अब तक स्वनिधि में 42 लाख लाभार्थी रेड़ी पटरी खोमचे सब्जी की छोटी सी दुकान लगा के जो बैठते हैं सड़क के किनारे, ऐसे देश भर के शहरों में 42 लाख लाभार्थियों को अब तक सपोर्ट दिया जा चुका है। और सपोर्ट की क्वांटम अगर आप जानोगे और भी अच्छा लगेगा। 70,000 करोड़ रुपीस का सपोर्ट अब तक दिया जा चुका है स्वनिधि के माध्यम से। इसी तरह से विश्वकर्मा के माध्यम से 30 लाख व्यक्तियों को, 30 लाख परिवारों को इसमें सपोर्ट मिलेगा। 30 लाख फैमिलीज विल बी सपोर्टेड अंडर विश्वकर्मा योजना। एक परिवार से एक व्यक्ति को यह सपोर्ट मिलेगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही एक सिंपल तरीके से किया जाएगा। जो ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, उन कॉमन सर्विस सेंटर्स के जरिए से रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद में एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था में आइडेंटिफिकेशन होगा, पहले पंचायत या फिर लोकल बॉडी स्तर पे, फिर ब्लॉक स्तर पे और फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे फाइनल सिलेक्शन होके। इसमें राज्य सरकारों का बहुत सहयोग लगेगा, राज्य सरकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, लेकिन इसकी जितनी भी फंडिंग है वो सारी की सारी फंडिंग केंद्र सरकार की तरफ से रहेगी। ये साथियों एक बड़ा निर्णय आपके सामने रखा विश्वकर्मा योजना का।